ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की वाणी का अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे। आज की वाणी में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, महसूस करेंगे बाबा ने मुझे कहा, मीठे बच्चे, बाबा मेरे सम्मुख है और मैं बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा मुझको कहते हैं कि तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझा समझाओ, बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। बाबा कहते, बाबा याद दिलाते तुम कौन? बाबा कहते, तुम भारतवासी बच्चे कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा कहते, बहुत धनवान थे। तुम बच्चे भी बाबा बाबा कहे दूसरों को याद दिलाओ, समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाप कहते हैं कि बाप ज़रूर याद आना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मन मना भव। शिव बाबा कहते हैं, बाबा पतित पावन है। बेहद का बाप आते हैं भारत में राजयोग सिखाने। कहते हैं, मामे कम याद करो, ऊंचे से ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप है देने वाला दाता। बेहद का बाबा याद दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे, तो पवित्र थे, बहुत धनवान थे। बाबा की याद में रहे ज्ञान दो तो किसी को तीर लगे। बाबा की याद से ताकत मिलती है। शिव बाबा स्वयं बेहद का बाप है, गीता ज्ञान दाता है, त्रिमूर्ति निराकार शिव बाबा समझाते, भगवान तो एक ही है ना। भगवान बेहद का बाप शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला। अब बाप कहते, भारत स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे, एक ही दैवी साम्राज्य था, सब शिखंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरमापार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरमापार है। बाबा कहते हैं, महिमा सुनकर खुश होंगे, घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। बाप कहते, तुम बच्चे बेहद के बाप के, त्रिमूर्ति शिव बाबा, गीता ज्ञान दाता का संदेश देते हो। बेहद का बाबा निराकार ज्ञान का सागर
शिव बाबा सर्व का सदगति दाता पतित पावन है। अब तुम आत्माएं अपने बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। बेहद का बाबा खुद कहते हैं, मैं संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परकाया प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा कहते श्री कृष्ण के ही बहुत जन्म है। अब अंत जन्म में यह बेहद के बाप गीता ज्ञान दाता निराकार त्रिमूर्ति शिव बाबा का साकार रत ब्रह्मा बने हैं। बाबा कहते ये रत की आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती, यह भागीरथ है, ब्रह्मा तन है, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा तन से, अभी बेहद का बाबा त्रिमूर्ति शिव बाबा तुमको कहते, मीठे बच्चे तुम मुझे ही याद करो। बाबा कहते तुम्हारा काम है बेहद के बाप से। अब बाप कहते हैं कि कल्प माना चार युगों का चक्र 5000 वर्ष का है, जो फिर हूबहू रिपीट होता, पुराना सो नया, नया सो पुराना होता। बाबा कहते जब नया था तो जमुना घाट पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था, इसलिए अभी बेहद का बाबा ज्ञान का सागर त्रिमूर्ति शिव कहते मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाबा को याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा बाबा कहकर समझाओ तो तुम्हारा कोई सुने भी, बाबा की याद की शक्ति से जोहर भरता है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं भारत ही स्वर्ग शिवालय था, हर बात में बोलो बाप कहते हैं। बेहद का बाप त्रिमूर्ति शिव निराकार कहते हैं, राज योग से ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता, सर्व का सदगति दाता है सतगुरु अकाल मूरत शिव बाबा एक है। अब कहते सब आत्माएं एक्टर्स अविनाशी है, पार्ट सबको बचाना है शरीर के द्वारा, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बेहद का बाबा पतित पावन निराकार त्रिमूर्ति शिव कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। पतित पावन शिव बाबा है, अब बाबा से योग लगाओ तो आत्मा पवित्र बन
मुक्ति धाम घर जाएगी। बेहद के बाबा का नाम लेकर सबको बाप कहते, सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करो। बाबा कहते, कृष्ण है बच्चा, भगवान तो एक ही निराकार त्रिमूर्ति शिव गीता ज्ञान दाता है। अब बाप कहते, अच्छी ललकार से भाषण करो। बाबा बहुत मदद करते हैं, तुम याद की यात्रा में रहो। बाबा कहते हैं धुन लगा दो, तब किसको तीर लगे। बाबा कहते, तब किसको तीर लगे। बाप कहते, तुम्हारा प्रभाव निकले। बाप आत्माओं का बाबा, परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, मैं निराकार तुमको पढ़ाता हूँ। तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। इस साकार ब्रह्मा रथ के द्वारा तुमको आत्मा बच्चों, सिर्फ कहता हूँ कि मुझ एक को याद करो। बाप कहते, रथ को थोड़े ही याद करना है, यह है हुसैन का घोड़ा, रथ का रिगार्ड रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते, बल मिलता है याद की यात्रा से। इस योग के बल से तुम आत्माएं विश्व के मालिक बनते हो। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है ना, सच्चा तो एक ही बाप है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही निराकार शिव है। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से बाबा कहते तुम छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिमूर्ति शिव निराकार वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, साकार ब्रह्मा तन से। बाबा कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति रचना है ना, त्रिमूर्ति शिव बाबा की, तो ऐसे ऐसे नशे से बोलो। बाबा तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाते, पवित्र रहना इसको ही वैष्णव कहते हैं। तुम हो विष्णु की वंशावली। अभी बाबा ने जो आज वरदान दिया उसके अभ्यास के द्वारा उस वरदान को अनुभव करते, अपने को स्थित करते सम्मान में, विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाली विश्व की आधार मूरत आत्मा हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा को विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बनाया है। विश्व कल्याण के इस ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बनाया है। मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। इमर्ज करें अपने सम्मान को, स्थित हो जाएं बेहद विश्व कल्याण की स्टेज में।
बाबा के साथ कंबाइंड रूप में स्थित हो जाए सम्मान में कि मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याण की आधार मूर्त आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के सामने इमर्ज हैं, आवेग पतन में आवेग बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे बाबा एक एक आत्मा को अपने कल्याणकारी दृष्टि दे, एक एक आत्मा का बाबा कल्याण कर रहा है, एक एक आत्मा परमात्म मिलन की परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कर रही है। बाबा अपने राइट हैंड के द्वारा विश्व की एक एक आत्मा को भरपूर कर रहा है। अनुभव करें अपने भाग्य को कि वाह, मैं आत्मा जो बाबा ने मुझे अपना राइट हैंड बना, निमित्त बना, करण करा बनहार बाबा ने विश्व का कल्याण कराया, करा रहे हैं और सदा कराते रहेंगे संगम पर। मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा, मैं रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्मा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर स्वप्न विश्व सेवा में सफल करने के निमित्त मैं आत्मा विश्व की आधार मूर्त आत्मा, ये जीवन, ये श्वास, ये संकल्प, ये समय विश्व कल्याण अर्थ यूज करने वाली मैं बाबा का राइट हैंड, रहम दिल विश्व कल्याण के निमित्त विश्व की आधार मूर्त आत्मा। इस सम्मान में स्थित हो जाएंगे अपने इस श्रेष्ठ कर्तव्य के, अनुभव करेंगे अपने ईश्वरीय परिवार बेहद की आत्माओं के कल्याण के निमित्त बाबा का राइट हैंड, मैं विश्व आधार मूर्त आत्मा। आज इस सम्मान को सारा दिन में बीच बीच में अटेंशन के द्वारा अभ्यास करेंगे, स्मृति के द्वारा इमर्ज करेंगे और अनुभव करेंगे मैं विश्व कल्याण के निमित्त विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।
Thank you.